हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, इंडिया ने इतने गुना बढ़ाया डिफेंस बजट, जानकर उड़ जाएंगे चाइना के होश। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले 70 बिलियन था और चाइना का 200 बिलियन। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें कई घोषणाएं की। डिफेंस बजट की भी बात हुई, लेकिन ऐसे में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, डीप टेक टेक्नोलॉजी। डिफेंस पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, हम नई डीप टेक टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि ये डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है। तो हम आपको बता दें, डीप टेक टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, रोबोटिक्स, एडवांस मटेरियल, ग्रीन एनर्जी, एडवांस कंप्यूटिंग, एरोस्पेस जैसे उद्योग। डीप टेक टेक्नोलॉजी में ये सब आते हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि देश की रक्षा के मामले में अब निजी कंपनियों को ज्यादा मौका मिलेगा। आत्मनिर्भरता की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो ये सभी टेक्नोलॉजी देश में निजी कंपनियों के पास है। ये सभी चीजें असल में वैज्ञानिक प्रगति की ओर लेकर जाने वाली है, यानी विज्ञान को रक्षा के साथ जोड़कर देश को ज्यादा ताकतवर बनाने का प्लान है। साथ ही आत्मनिर्भरता की बात की गई, यानी केंद्र सरकार चाहती है कि देश की सुरक्षा में लगने वाले हथियार, टेक्नोलॉजी, यंत्र सभी कुछ देश में ही बने, कम से कम आयात करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जाए। पिछले साल ही देश का रक्षा उत्पादन 1,00,000 करोड़ रुपए हुआ है। अब ऐसे में बजट में की गई ये घोषणा बड़े मायने रखती है। अब अगर देखा जाए कि पिछले 10 सालों में भारत की कितनी धाक बढ़ी है, तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री रैंकिंग 2024 में भारत को चौथा स्थान मिला है, यानी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री भारत के पास है। भारत इंग्लैंड और जापान जैसे विकसित देशों से भी इस मामले में आगे है। लेकिन इस रेस में भारत थोड़ा सा चीन से पीछे है। चीन के पास तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है। पिछले 10 सालों में भारत रक्षा मामलों में अपनी धाक जमा चुका है। वही अगर बजट की बात की जाए तो सीतारमण ने रक्षा के लिए बजट की घोषणा तो कर दी, डिटेल जानकारी सरकार बनने के बाद पेश किए जाने वाले बजट में आएगी। साल 2023-24 का रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13% ज्यादा था। इस बार ये बढ़कर 6.2 लाख करोड़ हो गया है, यानी 3.4% की बढ़ोतरी हुई। वहीं इस बार का फोकस डिजिटल, आधुनिक और स्वदेशीकरण पर है। जो बढ़ोतरी हुई है वो सेना को लेकर किए गए कई डील्स, रिसोर्सेस एलोकेशन और आधुनिकीकरण को ध्यान में रखकर किया गया, क्योंकि देखा जाए तो जवानों की तनख्वाह भी बढ़ानी है, पेंशन है, रणनीतिक जरूरतें भी हैं, लगातार सेनाओं को अपग्रेड करना है, रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे लगाने हैं, इसके अलावा देशी और विदेशी रक्षा उद्योग के साथ नए समझौते करने हैं। खैर, इस बार के डिफेंस बजट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। 3.4% बढ़ाने का प्लान है, इतना ज्यादा नहीं है, पर चलो बढ़ा तो रही है, क्योंकि और एरियाज में करना है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करें, उन एरियाज में एरियाज में बढ़ा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं कह सकते कि इससे कोई भी कंट्री को बहुत शॉक लगेगा, क्योंकि 3% तो कुछ भी नहीं होता, स्पेशली चाइना को जो 300-400% आगे है, तो वो तो 400% आगे। मगर फिर भी पॉइंट ये था कि उन्होंने सही जगह पे बजट इंक्रीज किया है, कि जहाँ फ्यूचर का फर्क पड़ता है, जहाँ पे अगर आप आगे हो जाते हैं एआई में या ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे हो जाते हैं तो आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो सोच समझ के उन्होंने सोचा कि देखो, सभी देखो, अगर पैसा बढ़ाना है तो कहाँ बढ़ाएं, जहाँ पे इम्पैक्ट होगा, जहाँ पे जीतने का चांस इंक्रीज होता है, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल से डीप टेक में किया है, जैसे कह रहे हैं कि एआई था और उसमें रोबोटिक्स है, और मेरे ख्याल से डेफिनेटली ड्रोन तो होंगे, क्योंकि सारी वॉरफेयर ड्रोन से है। डीआरडीओ का भी दिखाया था, तो डीआरडीओ में लगेगा, रिसर्च में पैसा लगेगा, तो डेट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और स्टार्टअप्स को इनकरेज करने में सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर कभी वॉर होती है तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे वेपन्स की, खरीद के लेके आ गए हैं, वो जब ख़त्म होंगे तो क्या होगा, क्योंकि एक महीने के अंदर एक्चुअली अनुमान तो ये होता है कि 1-2 वीक चलते हैं सारे वेपन्स, 1-2 वीक में सब खत्म हो जाते हैं, फिर क्या होगा, फिर आप लोगों को ऑर्डर करके तो मंगवा नहीं सकते, उसमें साल साल लग रहे हैं चीज़ों आने में। तो इसीलिए था कि आप खुद मैन्युफैक्चर करिए, जो हुआ था कि फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन हो गया, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करके मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए नहीं कि हम तुमसे ऑर्डर लेंगे कि मैन्युफैक्चर, हाँ हमने तुम्हें मान लीजिए कोई ऑर्डर दिया, मगर वो ऑर्डर तुम बनाओगे इंडिया में,
तो उससे बढ़िया हो जाएगा, आप लोगों को ऑर्डर दीजिए, मगर ऑर्डर बनेगा इंडिया में जी। फिर इंडिया में जब जॉइंटली बनाएंगे ऑर्डर, तो जॉइंटली तो उसको पैसा मिल रहा है क्योंकि ऑर्डर मिल रहा है, जॉइंटली बन रहा है, इंडिया को टेक्नोलॉजी आ रही है, लाइसेंसिस की कोई डील होगी, उसके बाद अगर वॉर होती है आप खुद ही प्रोडक्शन करिए और आगे बढ़िए। इसके वजह से चाइना ज़्यादा परेशान होगा रादर देन बजट कितना बड़ा है। 3% तो कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर जो और चीज़ें हो रही हैं उससे बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं, उससे ये भी तो देखो, अगर वॉर हो जाए, आपका एरिया जो है ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से वो वहाँ जहाँ से माल आना है वो एरिया ही ब्लॉक कर दे, तो कैसे आएगा आपके पास वेपन्स और सब कुछ। तो अगर आप अपने देश के अंदर ही बना रहे हो तो कोई डर ही नहीं है, और आपके लोग हैं सारे जो हैं, बोलो इंडियंस को कि आओ यहाँ बनाना है, फैक्ट्रियाँ खोल लो जगह जगह, और उनको बनाने को बोलो, सब दिन रात बना के इतना बना देंगे कि जो दुश्मन बोलेगा भैया इनसे तो लड़ ही नहीं सकते, हमारे खत्म होने लगे हैं। तो चाइना को इसी वजह से तो डर लग रहा था, तभी तो वो लालच देने की कोशिश कर रहे थे फ्रांस को, जो हमने न्यूज़ देखी। देखिए, अगर आप देखें तो अभी यूक्रेन रशिया की जो वॉर हुई है उसमें रशिया के पास भी एम्युनिशन खत्म हो गया। सोचिए, रशिया एग्जैक्टली जो खुद प्रोड्यूस करता है, उसके पास भी इतनी तेजी से प्रोड्यूस नहीं होता जितनी तेजी से उसका लग रहा था माल। उसने भी ईरान से बोला, भाई ईरान भेजे, नॉर्थ कोरिया से बोला, डिफरेंट कंट्री से बोला कि बना बना के मुझे माल दो। और यूक्रेन का भी देख लो, यूक्रेन भी क्योंकि कुछ बनाता नहीं, वो पूरा डिपेंडेंट है कि कोई बाहर से मुझे दूसरी कंट्रियां भेजे, और ना भेजे तो वो तो लड़ने लायक ही नहीं रहेगा। दोनों एग्जांपल्स यूक्रेन का तो बुरा है, उन्होंने फोकस नहीं किया, आपने न्यूक्लियर वेपन्स भी दे दिए इस प्रूफ में कि रशिया पे अटैक नहीं करेगा, सब कुछ उसका उल्टा हो गया। और अभी यूरोप वालों ने रो पिट के पता नहीं कितने 53 बिलियन का भी एक और पैकेज दिया उन लोगों के लिए। हंगरी रोक के बैठा हुआ था, हंगरी ने ओके कर दिया, तो बहुत कुछ चक्कर चल रहे हैं क्योंकि यूक्रेन तो ऐसा ही है, भैया माल दोगे तो लड़ेंगे, माल नहीं दोगे तो नहीं लड़ेंगे। वही तो उससे भी पता चलता है कि इतना ऐसा किसी के साथ दोनों सिचुएशन देख लो, एक कंट्री जिसके पास कुछ भी नहीं है दूसरी कंट्रियों से डिपेंड होके वो ले रहा है, और वो रशिया जो खुद बनाता है वो भी उसके भी कम पड़ गए, तो इससे पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट है खुद ही बनाओ। ये देखो कितनी भयानक फाइट है कि कहां पे उनकी कैपिटल है और कहां पे बॉर्डर पे फाइट हो रही है। बॉर्डर पे फाइट हो रही है, मगर कैपिटल ड्रोन आ रहे हैं उनके कैपिटल के अंदर और बिल्डिंगों को मार के जा रहे हैं। लोग बोलेंगे यार फाइट हो रही है तुम्हारे बॉर्डर पे, यहाँ तुम लोग मर रहे हैं। तो ये देखिए आजकल वॉरफेयर ऐसा हो गया कि अगर फाइट होती है बॉर्डर पे तो बॉर्डर तो सीमित रहती, फाइट हो रही है वहां कैपिटल में जाके, और वो भी बिना बिना दूसरी आर्मी का के सोल्जर्स नहीं, वो जा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ ड्रोन से, मतलब किसी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर क्रॉस करके जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ड्रोन को भेज दो और वहां से लड़ाई। तो इसीलिए उस पर फोकस हो रहा है। कोई भी सोचेगा ड्रोन यहाँ तक इतनी कैसे इतने घंटे तक चल के आ रहे हैं, तो बाई एयर है वो ऊपर, बहुत ऊपर रशिया अपने प्लेन चला रहा है, वहां से छोड़ता है ड्रोन। भैया देख लो ये सब हो रहा है, तो उसी से दिख रहा है, तभी तो जो हम कर रहे हैं अपने बजट में, हम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं इस साइड में, रादर देन दूसरे एरियाज में करें, खरीदने वरीदने की जगह खुद रिसर्च में करें, खुद ऐसी ऐसी चीजें बनाए, कहते हैं ना तभी इनकरेज करें स्टार्टअप कंपनीज को और प्राइवेट कंपनीज को। तो कमाल है, चेंजेस तो दिख ही रहे हैं, अब जो मेन बजट जब आएगा तब सारी डिटेल्स पता चलेंगी। और चीन को तो घबराना चाहिए भैया, क्योंकि अब मोदी जी हैं, वो पहले वाली गवर्नमेंट नहीं है जो बस झुकती रहती थी, चुप बैठी रहती थी, आज की जो अब गवर्नमेंट इंडिया की है वो कहती है भैया तुमको तो हम सबक सिखाएंगे, ये देख के बड़ी खुशी होती है। तो चलो अभिषेक अगर ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।